शादी के बाद नेता प्रतिपक्ष प्रथम बार कार्यालय में पधारे हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष का स्वागत राष्ट्रीय जनता दल की सभी साथियों की तरफ से, अनाथ असहाय जो पूरे बिहार का माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की तरफ देख रहा है, उनके प्रति जो विश्वास प्रकट किया है, मुझे को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया के सभी हमारे साथी, सभी लोगों ने बधाई दी, आशीर्वाद दिया, तो सब हो ही गए और आप सब लोगों के लिए सरप्राइज भी रहा। और आज पहले हम लोगों ने सोचा था दिल से अपने और अपने धर्मपति के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत भी 22 MP जीत के गए थे यूपी एवन में, बिहार को 1,44,000 करोड़ का पैकेज लालू जी ने दिया, 4-4 कारखाने रेलवे के दिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का जाल बिछा 22 MP होते हुए। अब तो भैया आपके 40 में से 39 आप तो सरकार को ना चाह सकते हो, क्या कर रहे हैं जो चुन करके गए। सब लोग देख रहा है कितने साल से इनके मिली जुली सरकार है, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं, आप दुहाई दे रहे हैं। भारत तरक्की नहीं कर सकता जब तक बिहार नहीं तरक्की कर सकता। जो हम लोग कहते रहे इतने दिन से, जिसको आप नकारते रहे, आज खुद स्वीकार कर रहे हैं। और मांग किससे कर रहे हैं भाई, अपने ही आप से। वो तो आप ही की सरकार है, भारत में भी NDA की सरकार है, बिहार में भी NDA की सरकार है, फिर भी बिहार को विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यानी आप चाहते ही नहीं है। कौन करेंगे? और आजकल आप देखिएगा बिहार में खाद को लेकर कितनी बड़ी समस्या हो गई। बिहार सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहीं नहीं मिल रहा है खाद। तो विश्वमान के जरिए जो भी मिल रहा है, रात के 2-2 बजे से लोग लाइन लगाए हुए हैं, मारा मारी हो रही है। पता ही, हमारा कृषि प्रधान राज्य है, कृषि पे हम लोग निर्भर करते हैं, यहाँ तो कुछ है नहीं। और उस पर भी किसानों पे इतना अत्याचार किया गया, कियोस्क है एकदम, खाद है तो महंगा मिल रहा, नहीं मिल रहा लोग, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आप इसमें भी फेल रहे हैं, शराबबंदी में भी फेल रहे हैं, कारखाना लगाने में भी फेल रहे हैं, रोजगार देने में भी फेल रहे हैं, बिहार को विकसित करने में भी फेल रहे हैं, हर सूचकांक में आप पीछे से अव्वल नंबर पाते हैं, शिक्षा में तो चौपटी हो गया, अब तो ऐसा लगता है यूनिवर्सिटी का अगर देख लें तो भाई अलग ही तो चल रहा है। प्रभावित कौन हो रहा है? बिहार का भविष्य प्रभावित हो रहा है, छात्र नौजवान प्रभावित हो रहे हैं, छात्राएं प्रभावित हो रही। आप बताइए, 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं होता। मुख्यमंत्री खर्च था बेरोजगारी हटाओ, उसको लेकर के आने वाले समय में हर जिले बिहार के हम लोग बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे भी हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद पटना में हमने जैसा अनाउंस किया था पहले भी कि एक बेरोजगारी रैला जो है पटना के गांधी मैदान में हम लोग करेंगे। अब खरवास मकर संक्रांति आएगी तो उसकी तैयारी में हम लोग सब लोग लड़ेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, जोड़ेंगे, सरकार को रियल पिक्चर जो है असली ज़मीनी हकीकत उससे वाकिफ कराएंगे।
बताइए 19 लाख कहाँ गया? हर साल लोग 19 लाख रोजगार देते थे। आश्चर्य की बात है, जब पद खाली पड़ा हुआ है, हमको विभाग में जरूरत है हैंड्स की, तभी आप नौकरी देने में असफल, इससे अवधि सरकार क्या हो सकता है? अब आप कल्पना कीजिए, हमको माइक उठाने के लिए एक हाथ चाहिए, है कि नहीं? हमको माइक उठाना है लेकिन उठ ही नहीं रहा, तो इतना बेकार आलसी सरकार हो ही नहीं सकता, रद्दी सरकार। आप हाथ उठ लाइए, कहीं कुछ नहीं, धांधली हो जाता है। कोई परीक्षा में सनी लियोनी टॉप कर जाती है तो कोई अनुपमा है केरल की एक्ट्रेस वो पास हो जाती है, कैसे चलेगा इसे? और हेल्थ में तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा नीति आयोग के रिपोर्ट में, अब नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री। कुछ लोग उन्हीं पे सवाल उठा रहे, उन्हीं की पार्टी कि भाई थोड़ा मापदंड बदल दिया जाए तो बिहार हर चीज़ में एक नंबर हो जाएगा। मतलब गधे के ऊपर शेर का मुखौटा पहन लीजिए तो गधा शेर बन जाएगा, यही बात है। यही क्या क्या कहा जा रहा है बिहार, तो इसलिए हम लोग सोचे कि काफ़ी दिन जो गैप हो गया था पार्टी ऑफिस आ करके, और जगदा बाबू जी ने जो पार्टी को संभाला है, लोगों को जोड़ा है, एक राष्ट्रीय जनता दल को लोग जो है एक नई नज़र से लोग देख रहे हैं, परिवर्तन और समय के साथ साथ परिवर्तन ज़रूरी है। हर एक प्लेटफॉर्म पर पूछ से लेकर के सोशल मीडिया तक जो है लोग एक्टिव कैसे रहे, पार्टी आगे कैसे बढ़े, किसी भी जगह हमारा पार्टी कम संसाधनों के बावजूद भी हम कैसे आगे बढ़े, लोगों के बीच हम कैसे अपना प्रभाव बढ़ाएं, इसके लिए लगातार सब लोग पार्टी के नेता सब लोग जो है कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं, और सब लोगों का पार्टी संघर्ष जो है वो जनता का कल्याण कैसे हो, बिहार के लोगों का दुख दर्द हम सब मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लोग कैसे दूर करें, उनके दर्द को और उनकी आवाज़ को कैसे हम लोग बुलंद करें। हम लोग शुरू से ही कहते रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है ए टू जेड की पार्टी है, और लगातार चाहे कोई धर्म हो, कोई जात हो, कोई मजहब हो, कोई जातियां हो, सब लोगों को साथ लेकर के हम सब लोगों का प्रयास है कि हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें। अभी फिलहाल में जो भी सर्वेज आ रहे हैं, एजेंसीज की रिपोर्ट आ रहे हैं, दुख होता है ये सुन करके कि बिहार हर सूचकांक में फिसल गया, पिछड़ा है, गरीब है, यहाँ के नौजवान बेरोजगार हैं, कहीं कारखाने नहीं हैं, कहीं फैक्ट्री नहीं है, कोई आईटी सेक्टर नहीं है, कोई आपका फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर दिन प्रतिदिन जो है बदतर होता जा रहा है, भ्रष्टाचार थानों से लेकर के ब्लॉक लेवल तक बढ़ चुका है, तो आने वाले समय में हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो दुहाई देते थे कि क्या था क्या था क्या था, हम जब सवाल पूछते थे क्या था उसका छोड़िए अभी क्या है बताइए, तो आज जो है वो भी कह रहे हैं कि बिहार तो फिसड्डी है, पिछड़ा है, गरीब है, आगे बढ़ाना होगा बिहार को, विशेष सहायता चाहिए होगा बिहार के लिए,
अब मेरा सवाल है, करेगा क्या? आप तो मान ली कि आपने कोई काम नहीं किया, तभी सबसे अंतिम पैदान पे है। और जब काम नहीं किया तो आप ही भारत में, आपके मंत्री हैं भारत सरकार में, आप सहयोगी हैं, आप कहते हो डबल इंजन, तो आप देख लीजिए, कल्पना कीजिए कितने साल हो गए। 40 में से 39 MP बिहार महिलाओं को आ गया ना, महिलाओं को आ गया ना लगभग 50% बिहार। क्या खर्च किया नहीं किया है आप लोग देखिए ना, बिहार की स्थिति क्या है। बजट का पैसा तो खर्च ही नहीं पाता, सारा तो सरेंडर कर दिया, 10-15% जो खर्च करती है उसका भी हिसाब नहीं चला। महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, शराबबंदी के नाम पर महिलाएं अब आ गए हैं, तभी समाज बदलेगा। थाना सुधार ना दे, गृह मंत्री कौन है भैया? ये बॉर्डर से पटना शराब विधानसभा में मिल जाता है, ये महिलाएं आगे आएंगी कैसे रोकेंगे? तो पुलिस की जिम्मेवारी है ना, आप शराब ही मत आने दो ना, ये तो गुमराह करने वाली बात है। मांझी जी आप क्या कहते हैं नहीं कहते हैं मुख्यमंत्री जी बड़े गौर से सुनते हो, अब इसमें हम क्या कहें आप बताइए। हम तो कहीं ना रहे भाई, होम डिलीवरी हो रहा है। अब बिहार विधानसभा में आपने देखा ना बॉटल, क्या हुआ क्या हुआ कार्रवाई? DGP महोदय झुक झुक करके बॉटल चुन रहे थे, जरा कोई जाकर के पूछा कि हुआ क्या महोदय, कहाँ से आया ये बॉटल हुआ क्या? हाँ तो गंभीर है, शराबबंदी लोग चाहता है कि हो, लोग चाहता ही नहीं है कोई कड़ा कदम तो उठाए, खाली फोकस वादी के लिए चल गए, पहुंच गया, फोटो खिंचा लिया, हो गया, न्यूज शांत हो गया, खत्म हो गया, रैप अप हो गया। यानी शोज दैट इज अ फेलियर। कोई जाके पूछे ना भाई, बिहार विधानसभा में कैसे पहुंचा? वो तो करेंगे कुछ कुछ लोग, समाज सुधार यात्रा पे यात्रा तो करते ही रहना चाहिए, निकलते रहे, उस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। नहीं, मुख्यमंत्री को तो जनता के बीच रहना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी जनता के बीच तो नहीं रहते, अधिकारियों से घिरे रहते, समाज से ज़्यादा तो उनके सरकार के लोग ही सुधर जाते ज़्यादा अच्छे। आप बताइए अब AC सिंह वाले मामले में, या शराब में कृषि मंत्री के भाई पकड़े गए, किसी पे कोई कार्रवाई हुई है क्या? 75 घोटाले हो गए इनके राज में, 2,00,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है CAG की रिपोर्ट में, 2,00,000 करोड़ रुपया अगर हो तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मामला, लगभग सरकार का बजट नहीं बराबर है, एक बजट जो पेश करती है 2,32,000 होता है सब छोटा, 2,00,000 करोड़ रुपये का हिसाब ही किताब नहीं है 2,00,000 करोड़ का, इसको ही सुधार दो। नहीं देखिए, अब देखिए हम लोग तो हर एक एफर्ट कर रहे हैं, जाके हम मिले भी मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भाई जल्दी 2-4 दिन में, आप लोग भी थे वहीं, कि 2-4 दिन में जो है सर्वदलीय बैठक जो है वो बुला ली जाएगी, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। आखिर आपको जब आपको पता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, स्टेट के इंटरेस्ट में है, ह्यूमन इंटरेस्ट में है जाति जनगणना, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं भाई? किस बात का ऑल पार्टी मीटिंग होगा? हमारा यही कहना है, जब ऑल पार्टी मीटिंग आप कहते हैं करवा देते हैं, क्यों नहीं करवाए? और उसकी ज़रूरत भी कहाँ है जब विधानसभा विधान परिषद से 2-2 बार पारित करा दिया गया, ऑल पार्टी नहीं किया ना, हम केंद्र को भेज दिए और आप जो है नहीं कराने। ऑल पार्टी क्या है? ये तो डीले टैक्टिक्स है, दिस इज ओनली अ डीले टैक्टिक्स, लेकिन फिर भी हम थे कि भाई 2-4 दिन में अगर हो भी जाएगा तो हर्ष क्या है, फिर से बैठ लेंगे।
लेकिन अब दो चार दिन अब क्या, अब तो इतना हो गया। बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार है। अब दबाव में किसके हैं नहीं हैं, अब तो तीसरे नंबर के पार्टी हैं तो कहाँ रहेंगे आप ही ना जानते हैं। तेजस्वी जी बिहार में तीसरा नंबर के पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कहाँ उनका स्थान है, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तब कमजोर मुख्यमंत्री, थके हुए मुख्यमंत्री हैं, इनसे बिहार संभल नहीं रहा।